सारंगढ़ विकास खंड के कनकबीरा में महिलाओं ने गांव में बढ़ती शराबखोरी से परेशान होकर बिगड़ते माहौल को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए महिलाओं ने एक टीम बनाकर गांव की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही शराबबंदी के लिए गठित समूह ने सुबह कनकबीरा चौकी पहुंचकर थाना प्रभारी आरसी पैकरा को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर शराबबंदी अभियान की सूचना देकर पुलिस को सहयोग करने की मांग की है। सारंगढ़ विकास खंड की कनकबीरा में महिलाओं ने गांव में बढ़ती शराबखोरी से परेशान होकर बिगड़ते माहौल को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए महिलाओं ने एक टीम बनाकर गांव की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही शराबबंदी के लिए गठित समूह ने सुबह कनकबीरा चौकी पहुंचकर थाना प्रभारी आरसी पैकरा को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर शराबबंदी अभियान की सूचना देकर पुलिस से सहयोग की मांग की है। दरअसल कनकबीरा एवं आसपास के गांव में कुछ लोग पुलिस की नजरों से छुपकर महुआ शराब बनाने एवं बेचने का काम कर रहे थे। इससे शराबियों की वजह से गलियों में आए दिन शोर शराबा होता रहता है। लड़ाई झगड़े से महिलाएं परेशान हो चुकी थी। कुछ शराबी तो ऐसे हैं कि घर में रखे अनाज को बेचकर शराब पीने में खर्च कर दे रहे हैं और उनके परिवार को भूखा सोना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को भी नशे की लत ने जकड़ रखा है। ऐसे में चिंतित महिलाओं ने अपने परिवार सहित पूरे गांव को नशाखोरी से आजाद कराने मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं ने सबसे पहले अपने परिवार के ही सदस्यों को किसी के घर से शराब खरीद कर पीने पर बंदिश लगाया। वहीं गलियों में घूम घूम कर अवैध शराब बनाने एवं बिक्री न करने का संदेश देकर इसमें संलिप्त लोगों को चेताया है। वहीं महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम दिए ज्ञापन में कहा है कि प्रतिदिन शाम को ग्राम भ्रमण कर लोगों को सार्वजनिक स्थलों में शराब न पीने एवं अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने व बेचने पर अंकुश लगाने अभियान शुरू किया है, जिससे कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे एवं गांव को सामाजिक बुराई नशाखोरी से बचाया जा सके। इसके लिए पुलिस से आवश्यक सहयोग मांग कर सूचना दी है। बहरहाल महिला समूह की पहल से शराबियों के साथ ही कच्ची शराब बनाने एवं बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 20।